कहने को T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, लेकिन दुनिया भर के फैंस की निगाहें 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले सबसे बड़े मुकाबले पर टिकी हुई हैं। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली की भूमिका काफी अहम होने वाली है। जी हां, इसके पीछे की अहम वजह कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड बनाना है। बता दें कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में कुल 3 मैच खेले हैं और हर बार बिना आउट हुए मैदान से वे बाहर लौटे हैं। यानी तीनों मुकाबलों में एक बार भी पाकिस्तानी गेंदबाज विराट की विकेट नहीं चटका सके। इस दौरान भारतीय कप्तान ने 3 पारियों में 130 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ कुल 169 रन बनाए और उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी देखने को मिले। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि ओवरऑल विराट का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेमिसाल रहा है। भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 6 T20 मैच खेले हैं और 84.66 की औसत के साथ 254 रन बनाने में वे सफल रहे हैं। इस दौरान कोहली ने 6 पारियों में 3 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है। खास बात तो ये है कि श्रीलंका 84.75 के बाद पाक एकमात्र ऐसी टीम है जिसके खिलाफ कोहली 80 प्लस की औसत के साथ रन बनाते हैं।